कल बड़ा ही शानदार ओवर कीता दीपालपुर दी धरती दा नौजवान मलक सुहेल अवान उभरता हुआ स्टार सितारा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक कुकारा डाई से ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान। ताहिर यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, तो ताहिर यूनाइटेड की तरफ से जो मेन बैट्समैन है उनके इमरान खान और फहद मियां चन्नू, और हवेली सुल्तान की तरफ से तहरी पिंडी, खुरम चकवाल, शाहजहां, ये मेन उनके खिलाड़ी हैं जी। हवेली सुल्तान वर्सेस ताहिर यूनाइटेड। जी मिलान है रॉ इश्वाक ब्रांड को, हमारे बहुत ही प्यारे भाई ब्रांड ऑफ क्रिकेट दीपालपुर हुज़ैफ़ा अमीन डोला याद कर रहे हैं, अगर वो हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हकामी तौर पर मिले हुज़ैफ़ा अमीन डोला भाई को। बिल्कुल जनाब, आपको बताना चाह रहे थे कि ऑर्डर जो है हवेली सुल्तान से है जनाब दीवान शाहजेब अहमद साहब, और उनके साथ जनाब दीवान शहरयार अहमद एडवोकेट एंड दीवान शाहजवान दीवान शाहरुख एंड टीम लीडर डॉक्टर अताउल आज का दूसरा राजा जो खेला जा रहा है करेंगे, और दूसरी तरफ इंतहाई अपनी जनता में जनाब है जनाब यूनाइटेड से हमारे प्यारे भाई एहसान फरीद हाशमी, और उनके साथ जनाब चौधरी सईद अहमद सबों का शाहजहां पहले ओवर के साथ उनसे अटैक किया जा रहा है, जिनका सामना करेंगे इमरान खान फ्रॉम अटैक जी। प्रिंस राइशदाद लतीफ साहब, प्रिंस हार चुकी है, अपना दूसरा मैच आज का लूज किया है उन्होंने। हम तहे दिल से मकनून हैं और शुक्रिया अदा करते हैं खसूसी आमन जनाब दीपालपुर से इन्वेस्टर ऑफ क्रिकेट जनाब हुज़ैफ़ा अमीन डोला। तमाम तर मैच जो है वो इस वक्त बैराज देखे हुए इंतहाई कांटेदार मैच है, और इस मैच को अगर आपने स्ट्रीम करना है जितने क्योंकि लवर्स ऑडियंस हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई जबरदस्त मैच होगा। फिर से बताता चलूँ आपको कि यहाँ ये उकाड़ा डाई से डॉक्टर शाहिद अली दिलवर आपकी खिदमत में हाजिर है लाइव मैच डीपीएल सीजन 5 दूसरे दिन का मैच, दूसरा मैच ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान। तो ताहिर यूनाइटेड की तरफ से आ चुके हैं इमरान खान और फहद मियां चन्नू, और बॉलर हैं शाहजहां। लीडर ऑफ एशिया ब्रांड ऑफ पाकिस्तान राज करने वाले प्रोफेशनल आईडी प्लेयर्स फ्रॉम चिकवाम लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर लॉन्ग ऑफ पर है अपने मैदान बना रहे हैं दीवान शाहजीब अहमद को खुशामदीद कहा जाता है जीपीएल मैनेजमेंट की जानिब से, दीपालपुर की तमाम मशहूर आवाम की जानिब से जिन्होंने जीपीएल की एक ही कॉल पर 15 से 16 लाख की साइट बना के लाए हैं, और इंतहाई एक्सपेंसिव साइट जो है वो हवेली लखा से जनाब प्रिंस ऑफ हवेली लखा मसीहा ऑफ हवेली लखा गरीब और नौजवान की आवाज दीवान शाहजीब अहमद पहला बॉल करेंगे शाहजहां, सामना करेंगे इमरान खान। जी उस्ताद शाहजहां पहली बॉल करेंगे इमरान खान को जी, आज का दूसरा मैच पहला बॉल आगे किया था और इसे ठीक तरह से कंट्रोल के साथ की गया है, इमरान खान नेट जूम किया है बट मैंने पर नहीं किया गया, बड़ा सुपर बॉल कर गए उस्ताद शाहजहां लीड जट, और यकीनन कप्तान केसी को जो है वो बड़ा इत्मीनान है क्योंकि लेजेंड बॉलर है, बड़ा एक्सपीरियंस है उस्ताद शाहजहां के पास। अगर बात करें इमरान खान की तो अपने वसी चैंपियन कैरियर रखते हैं पाकिस्तान क्यू बॉल में, इंतहाई क्वालिटी का मुकाबला क्वालिटी से हमारी नजर में दोनों टीमें बराबर है, लमजू की अगर पूछ की हो जाए तो माजरा चाहेंगे बाकी हमारी नजर में आप जी। राय शदालती अभी मुझे इस चीज का पता नहीं है, मेरे ख्याल में 5 लाख पहला इनाम है शाहजहां
उस्ताद शाहजहां। अगली बॉल करेंगे जी इमरान खान, बोल्ड कर दिया जी, बोल्ड कर दिया, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए इमरान खान। ये होता है तजर्बा और ये होता है एक्सपीरियंस। आपने देखा कि कैसे विकेटों के अंदर खड़े हुए आराम से उसको बोल्ड किया उस्ताद शाहजहां ने। टेबॉल की बॉलिंग में बहुत बड़ा नाम शाहजहां और बहुत ही बड़ा विकेट लिया इमरान खान की सूरत में। मोहम्मद अहमद साहब और उनके साथ मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट रॉ और बाबा इंजीनियर हवेली सुल्तान ले जाने वाले बैट्समैन बाबर पठान कराची राहुल पठान भाई काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है चौधरी सईद अहमद सिंह का साहब जो कि इंटरनेशनल है इस बार ऐसे ही पर पिछा है जी। दाऊद पठान आए हैं जी ताहिर यूनाइटेड की तरफ से, दाऊद पठान उस्ताद शाहजहां। देखते हैं आगे क्या बनता है जी। शाहजहां बॉल करेंगे जी दाऊद पठान को जी, तजर्बा देखें जी उस्ताद शाहजहां। अंपायर का इशारा वाइट बॉल, मैच लाइव जी शाहजहां फ्रॉम कराची, बॉल के लिए दौड़े दाऊद पठान, वाइट बॉल। शुक्रिया अदा करते हैं दीपालपुर से अल मदीना फैशन हब का जो कि जीसे ड्रेसिंग सेटअप है रॉय ब्राउन एंड राव दानिश। नेक्स्ट बॉल शाहजहां, अगली बॉल करेंगे दाऊद पठान। अंपायर का इशारा कुछ खुश नहीं है दाऊद पठान अंपायर के इस फैसले से, उनको लगा कि वाइट बॉल है। आपको बताता चलूं कि डीपीएल सीजन 5 दूसरे दिन का आज दूसरा मैच ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान। ताहिर यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, एक उनका खिलाड़ी आउट हो चुका है, इमरान खान पवेलियन वापस जा चुके हैं। जी एम मुर्तजा दीपालपुर जिंदाबाद, जी दीपालपुर जिंदाबाद, आपकी मोहब्बतों का आपके प्यार का शुक्रिया। शाहजहां अगली बार स्लोर वन बॉल था, स्लोर वन बॉल था, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। समझदारी तजर्बे का पूरा पूरा फायदा उस्ताद शाहजहां। जी क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम फहद मियां चन्नू विकेट पे मौजूद, नए जज्बे और नई तब्दीली के साथ आई है, जेर सरपरस्ती
फहद मियां चन्नू आ चुके हैं। बहुत बड़ा मैच है और बहुत ही शानदार बैट्समैन विकेट पे मौजूद, बॉलर बड़े और तजर्बे से भरे हुए बॉलर और बैट्समैन भी विकेट पे मौजूद। फहद मियां चन्नू सामना करेंगे उस्ताद शाहजहां। अच्छा यॉर्कर था फहद मियां चन्नू, अच्छा यॉर्कर था, बहुत ही खूबसूरत और तजर्बे से मालामाल ओवर अभी तक जा रहा है। कोई बड़ी हिट नहीं लगा सके ताहिर यूनाइटेड के कोई भी खिलाड़ी। दाऊद पठान और उसके बाद फहद मियां चन्नू, बड़े नाम विकेट पे मौजूद हैं, लेकिन तजर्बा और बॉलिंग एक अलग अपना मेयार कायम रखती है क्रिकेट की दुनिया में। जी जी हाँ, मतलब मौसम माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, बारिश थोड़ी देर हुई है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम है अभी भी, तो कमाल का मैच, बहुत बड़ा मैच, दोनों टीमों में कांटेदार मैच होगा ये। फहद मियां चन्नू और नासिर पठान विकेट पे मौजूद, शाहजहां फ्रॉम कराची, शाहजहां और नाज। दाऊद पठान को पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। दाऊद पठान एक और बहुत बड़ा नुकसान ताहिर यूनाइटेड को, दाऊद पठान वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए, दाऊद पठान की जुद में एक और बहुत बड़ा नुकसान। अच्छी बॉलिंग और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जैसे चार रन दिए अपने एक ओवर में और दो खिलाड़ी को आउट किया है। थैंक यू सो मच, जो दोस्त हमें लाइव वॉच कर रहे हैं कोटा डायरी से, काइंडली इसको शेयर कीजिएगा। DPL सीजन 5 आज का दूसरे दिन का दूसरा मैच, तो ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान। हवेली सुल्तान के पास बेशुमार तजर्बा और बेशुमार तजर्बे से भरे हुए खिलाड़ी मौजूद हैं, और दूसरी साइड पे ताहिर यूनाइटेड पे भी बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अभी तक फहद मियां चन्नू विकेट पे मौजूद हैं, जी एम मुद्रा कहते हैं कि दीपालपुर मिस यू। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर उबैदुल्ला खान पाकर साहब, इस वक्त जीनत स्टेज है, कुर्सी सदारत पर पहुंच चुके हैं। वेदार वराइजर मलिक मून मोस्ट वेलकम एट स्टेज कैप्टन फरहाद अब्दाली फ्रॉम बरगाम। फरहाद अब्दाली आए हैं जी, अच्छी पेस फहद खान अब्दाली फरमानदान से दीपालपुर की साथ जमीन पर अपने बॉलिंग का जौहर दिखाते हुए फरहाद अब्दाली, और आगे खेलने वाले खिलाड़ी हैं क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े स्टार फहद मियां चन्नू। सरदार अहमद अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम करते हैं। फरहाद अब्दाली नसीर अहमद चंडूर, फरहाद अब्दाली दूसरी बॉल, काफी पेस, पेस दो रन मिलेंगे। हसन महमूद भाई दूसरा मैच कलंदर का और जलमी का है, दूसरा मैच कलंदर और जलमी का है, कलंदर और जलमी। फहद मियां चन्नू काफी अच्छी पेस के साथ, फरहाद अब्दाली काफी अच्छी पेस के साथ फहद मियां चन्नू को बिल्कुल भी खेलने का मौका नहीं दे रहे। फरहाद अब्दाली अगर फहद को आउट करेंगे तो 5,000 पे इनाम। फरहाद अच्छी बॉल, शॉट खेला गया,
अच्छी बात। क्या बात है, जी रजाक भट्टी ने मैं ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। उसके बाद तला यूसुफ ने भी मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। पबजी लाइट के ये प्रो प्लेयर हैं और अपनी गेम से काफी लोगों को महसूस करते हैं। फरहाद, अच्छा पेस, क्या बात है, निशाने के साथ बॉल कर रहे हैं फरहाद खान अबदाली, कमाल जी। जिशान इकबाले में ज्वाइन किया है जी, थैंक यू सो मच जिशान भाई, थैंक यू सो मच। डीपीएल सीजन 5 और दूसरा आज का दूसरा मैच ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान, उसके बाद गुलाम सरवर अंजन साहब और एक उस्ताद मोहतरम ने हमें ज्वाइन किया सर, हम थैंक यू सो मच, उस्ताद हमारे मोहसिन होते हैं। अच्छा शॉट खेला है, एक रन मिलेगा। रजाक भट्टी जो है जो वो सऊदी अरब से में देख रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, मिस यू लॉर्ड जनाब रजाक भाई। उसके बाद नेशनल स्कॉलर एकेडमी के जो ऑनर हैं सर गुलाम सरवर अंजन साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम करते हैं डीपीएल सीजन 5 ओकाडा डायरी से, आपका अपना हॉस्ट डॉक्टर शाहिद अली दिलबर। फरहाद खान अबदाली अगर फहद मियाचनू को आउट करते हैं तो 5,000 रुपए इनको इनाम दिया जाएगा। फरहाद अबदाली, इसी के साथ ही फरहाद खान अबदाली फहद मियाचनू की विकेट लेने में कामयाब हुए, इसी के साथ ही बहुत ही अच्छी पेस एज हुआ और खूबसूरत कैच किया कीपर एंड ने, और ताहिरी पिंडी थे कीपर, अच्छा कैच और इसी के साथ ही 5,000 अपने खाते में ऐड किए फरहाद खान अब्दाली ने जी। और नासिर मजीद डॉलर साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम करते हैं। वकास जट ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अभी तक 6 रन हुए हैं, सॉरी 8 रन हो चुके हैं अभी तक, 8 रन हो चुके हैं 2 ओवर के नुकसान पर, और 3 खिलाड़ी ताहिर यूनाइटेड के वापस जा चुके हैं पवेलियन की तरफ, और तीनों बड़े खिलाड़ी जो थे, जो उम्मीद थी ताहिर यूनाइटेड की वो दम तोड़ती हुई, और मेन खिलाड़ी जो आउट होके वापस पवेलियन की तरफ, मोहम्मद शफीक फ्रॉम कराची से, थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत का आपका प्यार का शुक्रिया, इसको शेयर कीजिएगा ओकाडा डायरी से, आपका अपना भाई डॉक्टर शाहिद अली दिलबर। लाइव कवरेज के लिए डीपीएल सीजन 5 मिनी स्टेडियम अफजल मिनी स्टेडियम दीपालपुर में मौजूद है। आप पिछली चीजें देखे सारी बुला रहेगी, इरफान शाह हैं मुकामी हैं, मुकामी खिलाड़ी आए हैं, आसफ हाशमी हैं, सामना करेंगे शाहजहां का, काफी बांध के रखा हुआ ताहिर यूनाइटेड को हवेली सुल्तान, और बोल्ड कर दिया उस्ताद शाहजहां ने, कराची के मायनास बॉलर टे बॉल में वसी तजर्बा रखने वाले उस्ताद शाहजहां ने आसफ हाशमी को पवेलियन की राह दिखाई, इसी तरह एक चौथा नुकसान जी। और आप मुकामी लोकल खिलाड़ी हैं, और 2 ओवर के नुकसान पे सिर्फ ओनली 8 रन ही बने हैं, कमाल की अभी तक बॉलिंग की है और ग्रेट कप्तानी भी इसको कहेंगे, और अच्छी फील्डिंग के साथ ही ये रिजल्ट्स मिलते हैं आपको क्रिकेट में, अच्छी फील्डिंग और कमाल की बॉलिंग हो रही है उस्ताद शाहजहां के लिए जी, अगर वो थैंक यू सो मच मियां मफ्तून, और मोहम्मद फरीद यार मारे
प्यार करने वाले अपने स्टाफ के साथ और अपने वर्ग के साथ हमें प्यार करना सिखाने वाले मियां मकसूद अहमद रेहान ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। 91 एचपी न्यूज के साथ उकाड़ा डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बीपीएल सीजन 5 दूसरे दिन का ये दूसरा मैच है, जारी है। काइंडली इसको आगे शेयर कीजिएगा। स्कोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी 8 हुए हैं। शाहजहां अगली बॉल करने और मिलेगी फील्डर नीचे, इसी के साथ ही एक और शाहजहां जमान वापस, जमान लेफ्टी वापस जाते हैं। इसी के साथ ही होती जा रही है और मेन कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, यहाँ थोड़ा सा समझ के खेलना होगा, हालात के मुताबिक खेलना होगा। काफी बांध के रखा हुआ है हवेली सुल्तान ने, अच्छी बॉलिंग, अच्छा कॉम्बिनेशन आज उस्ताद शाहजहां और उसके साथ फरहाद खान अब्दाली, अच्छी बॉलिंग की है। थैंक यू सो मच। इरफान शाह हैं मुकामी खिलाड़ी, सामना करेंगे उस्ताद शाहजहां। 3 बॉलों पर 3 आउट कर चुके हैं। डीपीएल सीजन 5 की पहली हैट्रिक भी अपने नाम की है उस्ताद शाहजहां। अपने दूसरे ओवर की चौथी बॉल करेंगे, सामना करेंगे इरफान शाह मुकामी खिलाड़ी। इसी के साथ ही ताहिरी पिंडी काफी ऊंचा था, एक और चांस था 4 विकेट ओवर में 4 विकेट लेने मिल जाती, और ये भी एक डीपीएल सीजन 5 में एक रिकॉर्ड हो जाना था कि एक ओवर में 4 खिलाड़ी आउट। काफी ऊंचा था कैच, ताहिरी पिंडी ने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की लेकिन नाकाम रहे, इसी तरह कैच ड्रॉप हुआ। चार बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ी को पवेलियन की तरफ आते जा रहे हैं। अगली बॉल करेंगे उस्ताद शाहजहां और इस बार काफी इस तरीके का बॉल किया है, लेकिन फाइनल तक से 5 बॉल का इशारा सफल पड़ता गया। सर थैंक यू सो मच, सर ये आपकी मोहब्बत है, सर आपका प्यार है। शाहजहां ने एक एक्स्ट्रा दिया है, बिल्कुल आपको बता दें 5 बॉल किए हैं, 3 आउट किए हैं और जस्ट 3 रन किए हैं। अगली बॉल करेंगे, सामना करेंगे इरफान शाह, मुकामी है खिलाड़ी ये इरफान। क्या बात है तजर्बे से माला माल शाहजहां। अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा, शाहजहां तजर्बे का कोई नियमुल बदल नहीं होता और फुल एक्सपीरियंस महारत रखने वाले शाहजहां ने, खिलाड़ी
चार खिलाड़ी आउट किए और तीन रन दिए चार विकेटें आठ रन और चार खिलाड़ियों को पांच खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं। इस ओवर में चार और एक इमरान खान को पहले बोल्ड किया इन्होंने। आवाज आपको सही आएगी। नहीं आने वाले अभी एक बाल बाकी है। बाल शाहराम काका सामना करेंगे उसका शाहजहां का क्या बात है। शाहराम काका ने सिंगल ली जी उस्ताद नजीर अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो उनकी शाहराम काका जय जो हमेशा याद की जाती है मिस किया जाता है और इसी नेटवर्क का इशू हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है लेकिन आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। हम याद कर रहे हैं उस्ताद नजीर साहब अगर आवाज सुन रही है तो प्लीज जो है चेक पहुंचे आप बताइएगा आवाज आ रही है जी। इंतखाबी शहरी के नाम से पेज है मलक शाहरी बता दिया आए हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए तकरीबन पूरी टीम को ठिकाने लगा दिया है और शाहजहां ने और इमरान खान अब्दाली ने तीन ओवर हो चुके हैं और ओनली ऑन 14 रन से बना रखे हैं 15 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर के लिए आए इमरान खान अब्दाली सामना करें इसके मुकामी खिलाड़ी इंशाल्लाह सुबह माइक होगा इंशाल्लाह आवाज आएगी। अभी हैंड फ्री लगाइए छह फ्री की है स्पीड हुई पहली बाउंड्री आप बताइएगा निशान भी आप बताइएगा आवाज सही आ रही है कि नहीं। मुश्किल तीन ओवर के बाद ये पहली बाउंड्री है इस मैच की फरहाद खान अब्दाली एक और अच्छी एक और मिस फील्ड इसी के साथ ही चार रन एक और मिस फील्ड शाहराम काका है बैट्समैन मिस फील्ड की है जी पूरम चकवाल से फील्डर की थैंक यू सो मच निशान भाई। अब मैंने हैंडफ्री चेंज कर ली इंशाल्लाह आवाज आपको सही आएगी। इसी के साथ ही दो रन का और इजाफा शाहराम काका फरहाद खान अब्दाली कुछ पहले की तरह जम के बॉलिंग नहीं कर रहे बिल्कुल लैक्स हो चुके हैं कि सारे खिलाड़ी जो मेन जा चुके हैं इसी के साथ ही एक और एज
शरामता का पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए अच्छी बॉलिंग पर खान अब्दाली, अच्छी पेस बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चुका है बिल्कुल पाकिस्तानी लेकिन काफी पेस था जी। रजाक भाई थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, गुड नाइट आपको जाए। इंशाल्लाह ये दूसरा मैच भी अपने नाइट नाजिर को कड़ाई से आपको लाइव दिखाया जाएगा। नाजिर आपको बताता चलूं कि ताहिर यूनाइटेड वर्सेस हवेली सुल्तान, चार ओवर में रन की तादाद 27 है और अब बॉलिंग पर ये दूसरा मैच खेला जा रहा है। 4 ओवर में 27 रन हो चुका है। नए आने वाले बॉलर हैं अकबर कोहली, चार ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पांचवें ओवर के लिए आए अकबर कोहली, दोनों मुकामी खिलाड़ी पर इसके मौजूद हैं। ट्वेंटी सेवन हो गए हैं, अच्छा 27 रन हो चुके हैं, 27 रन हो चुके हैं। अच्छी बेस कोहली की तरफ से, अच्छी बेस बिल्कुल भी समय नहीं सके। खिलाड़ी दोनों दूसरे विकेट पर बैटिंग के लिए, अकबर कोहली है बैट बॉलर, पांचवें ओवर का खेल जारी है। मुनारी साहब ने जो मैं ज्वाइन किया, ये हमारी से वापस आ रहे हैं शेयर करने के लिए। अकबर कोहली को यह दूसरा मसल था, दूसरा छक्का। बैटिंग कर रहे हैं ताहिर यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं समर अब्बास, अकबर कोहली जी अगला बॉल वापस जाना पड़ेगा। आउट हो चुके हैं श्वेत, अपना खाता पूरा करके गए हैं। मुकामी खिलाड़ी होने की वजह से ये पहले मुकामी खिलाड़ी है जिन्होंने मुसलसल दो छक्के लगाए हैं, अदरवाइज इससे पहले कोई भी मुकामी खिलाड़ी मुसलसल दो छक्के डीपी में नहीं लगा सका। और चूंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट जी कलंदर का ट्रेन जो मैच है इसके बाद शुरू होगा, कलंदर का मैच इसके बाद शुरू होगा दलमी के साथ। अकबर कोहली और बोल्ड कर दिया, समर अब्बास बोल्ड हो गए, समर अब्बास बोल्ड हो चुके हैं। खिलाड़ी के 9 खिलाड़ी पवेलियन की तरफ वापस जा चुके हैं, 39 रन हो चुके हैं, अभी एक बॉल बाकी है। जी हमारे आज के मौजूद जीबीएल मैनेजमेंट और उनके हमारा मौजूद है मीना मोहम्मद से मोहम्मद जुबैर साहब। डीपी अलावा में आपको खुश आमदीद का कहता हूँ, 557 डीपी लेकर जाने वाले डीपी अलावा के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सबका ठीक मीना मोबाइल वाले
मोहम्मद जुबैर, थैंक यू वेरी मच। आईपीएल में सबसे इम्पोर्टेंट जो सफल रहा है वो अब तक शाहजहां इज्जत की जानिब से रहा है, जिन्होंने दो ओवर में 11 रन बनाए थे। जमान वाली लोगों को कहना कि अभी हमें सैर करनी थी। वो कह रहे हैं कि अभी हमने और सैर उधर एंजॉय करनी थी, लेकिन डीपीएल के मैच वापस आ रहे हैं। सर आपने जाना ही नहीं था, आपको डीपीएल के शेड्यूल का पता था, लेकिन खैर आप आए इंशाल्लाह। पांच ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 41 रन है। तहरी पिंडी आए जी अभी बहुत अगला ओवर करने के लिए, आखिरी ओवर दिल्ली सुल्तान की तरफ से आखिरी ओवर करने के लिए तहरी पिंडी आए सर। उस्मान गनी भी मैंने बता दिया है, इसके बाद कलंदर का आखिरी मैच है, आज का आखिरी मैच इसके बाद होगा जो कलंदर का है और जलमी का है। अच्छा यॉर्कर तहरी पिंडी की तरफ से अच्छा यॉर्कर किया है। मलिक शाहान जमारी और मेरे शान भाई दोस्त हैं, तो आप इंशाल्लाह खैरियत से आए हैं, देखे आए बाकी अभी डीपीएल के बड़े मैच पड़े हैं। दो रन का और अजाफा, कॉल करेंगे आपको बताना चाहूँ की छह टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और डेली बेस पे तीन मैच खेले जाएंगे, खेले जाते हैं हर टीम से अपना एक मैच खेलना होता है। आज का ये मैच था और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, छोटा सा टोटल है। हमारा साथ दिया ज्यादा साहब ने हमारा और अफजान आपके साथ उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद थैंक यू वेरी मच। बताओ दो जवाब
जो दूर दराज इलाकों से हमारे समय उनको भी वेलकम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। बिगिन सर दास काम प्रोच उसी का रवेश एंड प्रॉपर्टी डील एडवाइजर जनाब जी मलक चावल उठ सब आपका फोन पोमा के पास है पोमा कैमरामैन और वो थैंक यू जी बता बात कर रहे थे पासवर्ड में एक सेकंड मिशन के हवाले से तो तय सही हिमा जी दोबारा फिर से सिलेक्शन के साथ चेक अप कर सकते हैं और चीज का डिटर्मिन है बताकर जो इतना बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे सिद्धांत की अटैचिंग टाइम जो कि आप क्या परफॉर्म करते हैं जी बिल्कुल ताहिर यूनाइटेड जी के ऑर्डर है एहसान फरीद हाशमी एंड चौधरी सही मेहनत सबका साहब और यकीन लेकिन पार्ट ऑफ गेम है अभी तक काफी ऑडियंस बैठे हैं कलंदर का मैच देखने के लिए फाइट करनी है अगर वो आपको इस काउंट कर सकते तो आपकी क्वालिटीज हैं इसके बाद आपको बताते चले ठीक 20 सेकंड के बाद जो मैच आ रहा है वो इंतहाई काबिले टीम मैच है और दीपकपुर के क्रिकेट लवर्स के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं वो मैच इंतहाई बड़ा मैच है यकीन जो है वो इस टीपीएल की चैंपियन टीम है दीपकपुर कलंदर जिनके ऑनर है मलिक शहजाद दानी साहब एंड जनाब मियां अहमद रसूल साहब एंड प्लेयर्स में शामिल है तैमूर मिर्जा छोटा विक्की उसामा अली सदाम शाह भैया एंड सरदार हसनैन जी मैच आप देखेंगे किसके साथ है दीपकपुर जलमी के साथ है जिनके ऑनर है शानी शाह रॉ इमरान और प्लेयर्स में शामिल है आज इस्लामाबाद माजिद गोली मुजम्मिल दाऊदी जेबी अर्ज कादिर कश्मीरी एंड अली गुजर मध्य मुकाबले होंगे तैमूर मिर्जा और जेबी अर्ज यकीन जो है वो थकान के थ्रू उतरने वाला मैच है और सेकंड बिल्कुल मत बोलिएगा कि आज इसके बाद कलंदर वर्सेस जलमी का मैच है अकबर बोली को से हो चुका है और आपको बताते चले कि यूनाइटेड के सपोर्टर भी काफी तादाद में मौजूद हैं और जी हवेली सुल्तान को सपोर्ट करने पहुंचे हैं दीपकपुर से मोहम्मद अहमद मोहम्मद उस्मान एडवोकेट रॉ आमिर साहब उनको वेलकम करते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं जी हवेली सुल्तान को जल्लाद खान लवली वेरी वेलकम बैक एक्स्ट्रा के बाद जल्लाद खान का और आज क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जल्लाद खान अकबर बोली फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप और यहाँ जो है सबको वेलकम जरूर किया जाता है 35 साल की तरफ से आने वाले तमाम उनका बल्ला जो है उस अंदाज से नहीं बोल पा रहा जीतता है
पूरम चकवाल पहले ओवर के इख्तिताम पर 8 रन मिला है शराम का आगला ओवर करेंगे अकबर कोहली सामना करेंगे अकबर कोहली शराम काका स्टोर वन बॉल था लेकिन जज कर गए थे लेकिन आराम से रन ज्यादा नहीं है कंफर्टेबल खेला है वेट करेंगे इस बॉल का अच्छी सोच है अकबर कोहली की जयराम काका बेसिकॉन बॉल है पाकिस्तान जीत बॉल पे और इनके जीपीएल के साथ एडिशंस के तरफ बात क्या बात है आज रिकॉर्ड्स हैं थोड़ी सी मैच के दौरान थोड़ी सी शायरी भी ऐड करते हैं ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं शायरी से भी थोड़ा एंटरटेन हो इसके बाद बड़ा मैच है शराब काका क्या बात है पूरन चकवाल एशिया बहुत ही खूबसूरत शॉट इसे रन के लिए कहता है कि बदला क्या लोगे तुमसे बदला क्या लो तुमसे क्या बात है पूरन चकवाल बहुत ही अच्छा शॉट खेला है शराम काका को छह रन हो चुके हैं अजी साहब वो कहते हैं कि बदला क्या लोगे तुमसे आज भी अभी बाल के लिए जी शराम काका अंपायर का इशारा वाइट बॉल फिर भी अगर अंपायर का इशारा वाइट बॉल अंपायर का फैसला आप देख रहे हैं कि दीपांकर कलंदर के शाहकारों ने टाइगर्स ने जो है ग्राउंड पे इनकी डाल दी क्या बात है जबरदस्त संभाल रखी करते हैं शराब काका के अग्रवाल की तरफ हिमर मारा था फेस पे मारना की कोशिश करे गुस्सा करके शराब काका पूरम चकवाल क्या बात है क्या बात है
सारी समझ गए हम शराम काका। ओहो हो हो अच्छा बॉल था, अच्छा कम बैक, अच्छी पेस के साथ बॉल किया हुए पूरम चकवाल। सैराम काका है आकर्षकी बड़ी जबरदस्त किया। देखिए जब आप कम बैक करने के लिए तैयारी करते हैं, प्रभाव करते हैं, की प्लान करते हैं, टीचिंग करते हैं, बात है जो क्या बात है, क्या बात है। पूरम चकवाल पसे एशिया मौजूद है, शराम काका है बॉलर। इन पासों के पीछे फैसले तुम्हारे से, शराम काका दो रन। इस बार अगले बड़े मैच का मौजी कौन आ रहा है, जेपी भट्ट आ रहा है, बहुत बड़ा मैच होगा, बहुत बड़ा मैच होगा। क्या बात है, शहराम का कमाल करेंगे पूरम चकवाल। एक और छक्का कमाल में आई और कोई कोई लिहाज नहीं, कमाल की शॉट खेल लिया पूरम चकवाल ने। क्यों इतनी तस्दीक करते हो, क्यों इतनी तस्दीक करते हो, हर हवाले से हम तुम्हारे कमाल की शॉट खेली है पूरम चकवाल ने। इसी के साथ 31 रन हो चुके हैं, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तुम मेरे पास नहीं फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है। अगले ओवर के लिए बहुत शुक्रिया, हम अत्यादिल से मशहूर हैं, बड़ी शख्सियत और बड़ी पालपुर के मकाम पर आए हैं, हमेशा की तरह अपने जेबे खास से जो है मेहमान नवाजी के तमाम तर तकाजे और क्रिकेट से मोहब्बत करने के खूबसूरत अंदाज दिया फखर मसूद साहब, जो के दीपापुर फखर मसूद गोरवे साहब जो के दीपापुर कलंदर के ऑनर है, और उनकी जानब से कमेंट्री बॉक्स में तीनों जरूरत समय जो है और एक एक हजार इनाम दिया गया है। अभी व्हाइट का ऐड करेंगे, 32 रन हो जाएगा। मुकामी बॉलर अकबर बोली की बहुत बड़ी पहली विकेट जो ओपन नहीं दे पाए। दीपालपुर के पहले ने कहा है कि हम में दम है, बहुत अच्छी विकेट। हम एक घंटा फिर जनाब मियां फखर मसूद साहब, अब जरा डर नहीं लगता कुछ होने को, अब जरा डर नहीं लगता कुछ होने को, मैंने जिंदगी जिंदगी को खोया है। अकबर बोली को भी दिल की तरफ से आने वाले बैट्समैन शहरी करते हुए शहरी आने वाले बैट्समैन 100 की तरफ से इस मैच से मान ऑफ द मैच के लिए जो है खूबसूरत टी शर्ट होगी जो कि हर मैच में दे रहे हैं। पाकिस्तान उसी को बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्या शानदार निकल रही है,
अकबर कोहली एंड जिंसी गोर्डाते हैं सहेल तेरी क्या बात है क्यों चुपा जीता है बिल्कुल जीता है आप कह लें कि दीपान भूटा कहले का बच्चा कहते हैं ओपन के साथ में दो दिन बहुत समझ क्योंकि टीपीएल के कुछ विचर भी है टीपीएल के कुछ बुनियादी मकासद है जो मकामी प्लेयर्स हैं उनको ओपन के साथ मिलाकर परफॉर्म करना है सो न्यू बैट्समैन बैक टू मैन समाप्त बता लिया है जिंदा ताला है मैदान से है और इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभी प्रेजेंट कर रहे हैं मेरी सुल्तान को मुकामी बॉलर सोहेल अवान बिल्कुल ध्यान पूरा दिमाग पर जाता है कि सोहेल हैट्रिक करे नो डाउट कि मैच जीत कर पाए बट सोहेल भी कह रहे कि ना सोहेल तो शुरू किया है माय गॉड पठान के साथ पक्का बॉल लेना पड़ता है क्या बात है पर हाथ का ना ताकि हर कोई बात आपने कोई बड़े शानदार बल्लेबाज नोट किए हैं अच्छा पिक किया पर ताली छह रन इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन क्रिकेट रीजन मुल्तान से वेलकम टू डीपीएल सर थैंक यू वेरी मच की सॉरी ना सर सुहेल आपने पूछा कि आप मुझे हुआ था विकेट कीपर और डबल सिक्स सांस अभी तक अच्छे बॉलिंग की है इसके लिए बढ़ता हुआ मेन विकेट भी आउट किए हैं इनके मौसम पेन सा था क्या बात है जी स्कोर में बहुत ही 40 सांस हो चुके अभी तक पार कमा रहे हैं वेलिंग सुल्तान ने बहुत ही आराम से 7 रन बाकी है और काफी ज्यादा एक बस मार्जिन और रन मौजूद है कमाल की बॉलिंग है कमाल की आने में यार मैं दीपालकों के वाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोहेल के लिए एक बार का फिर तालियां बजा दे ताकि से क्या बात है जी क्या बात है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू दीपालकों थैंक यू कीपिया जी बिल्कुल इतने सारे प्रश्न लेकर जब आप ग्राउंड में उतरते हैं बहुत करते हैं गौरव चिकवार जैसे बैट्समैन को तो यकीन है थोड़ा सा चाप चाय मजा सोहेल अस्कर बॉलिंग यंगस्टर यूर वर्ल्ड वर्ल्ड बॉयज आपने दोनों में ट्रिकी बॉलिंग यूज करते हुए और यहाँ पे दो बॉलर जो है वो 3 ओवर के इख्तिताम पर 40 रन हो चुके हैं जी वेलकम करते हैं पार्थोर सलवी को उनका जो नेक्स्ट मैच होगा दीपांकर कुलंदर के दरमियान बहुत बड़ा नाम दीपांकर कुलंदर चैंपियन भी रहे हैं और जीतने के लिए 5 रन जी नाजरीन आपको बताते रहे पीछे 5 के 18 12 पर 5 रन स्कोर पर इस मैच के अंदर जी बोल रहा टीम कवर की तरफ देखकर स्लिप हो गए थोड़ा सा देखना होगा बाहर का इशारा देखता होगा आप लोग हमारे साथ रहे आज की जीना बनता है किसी का भी बराबर है अच्छी पेश के बाद फैसला हो जाएगा हवेली सुल्तान का यकीन है पल्ला भारी और अभी तक लीड करते हुए हवेली सुल्तान खुशवार मोड में अपने क्राउड और अपने टीम और मॉडल के साथ खुशवार स्माइल और मुस्कुराहटों के साथ दो रन चाहिए जल्लाद और इस बार आज ये शॉट के रहे भी नहीं इस बार ये टीम हवेली सुल्तान टीम हवेली सुल्तान ने कंपेयर कर दिया है जीत लिया है बहुत बात कर सकते हैं होनी चाहिए टीम हवेली सुल्तान ने आज अपना दूसरा मैच भी कर दिया है यूनाइटेड अभी तक सुल्तान ने बहुत ही अच्छा
और बड़ी आसानी के साथ ये मैच अपने नाम किया नाजरीन। इसी के साथ ही एक और बड़ा मैच तैमूर मिका और उसके बाद इससे भी बढ़कर छोटा की क्या बात है, कमाल का मैच है। इसी के साथ ही वेट करते हैं, वेट करने के बाद आपको मैच में लेके चलेंगे।